प्रयागराज 2025 में महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है 10 जनवरी से 26 फरवरी तक। उसी के लिए पूरे सिल्लीगुड़ी वासियों को आमंत्रित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा है। महाकुंभ जो है पूरे भारतवर्ष में चार जगह होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। उसमें से अब की बार 12 साल में जो महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ, वो प्रयागराज में होने के लिए जा रहा है, जिसमें हमारे संयोजक विमल जी डालमिया, विष्णु जी केड़िया, ब्रजमोहन जी गोलियान और निरंजन मित्रुका जी और अरुण अग्रवाल जी और महावीर गोयल जी हमारे सिल्लीगुड़ी के यहाँ के संयोजक हैं। जो भी भक्त महाकुंभ मेले में आना चाहते हैं सिल्लीगुड़ी से, वो सभी लोग इन हमारे सिल्लीगुड़ी के संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। और महाकुंभ में, क्योंकि महाकुंभ जो है, महाकुंभ की जो उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो कलश निकला था, अमृत कलश, उसको दैत्यों से बचाने के लिए देवता लोग जब लेकर के चले थे तो चार जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। वो पहली अमृत की बूंद गिरी थी नासिक में, दूसरी गिरी थी उज्जैन में, तीसरी प्रयागराज में और चौथी हरिद्वार में। इसीलिए जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ में जब महाकुंभ का समय जब होता है, जो ग्रह नक्षत्र बनते हैं उस समय शाही स्नान के समय, जो लोग शाही स्नान के समय जो मेन तिथियां हैं शाही स्नान की, उनमें जब आकर के स्नान करते हैं तो वो अमृत जो गंगा जल होता है वो स्वयं अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए लोग कुंभ मेले में आकर के वहाँ गंगा में स्नान करते हैं। हमारी जो प्रमुख जो शाही स्नान की तिथियाँ हैं वो 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी। 14 जनवरी मकर संक्रांति का प्रथम शाही स्नान है। द्वितीय शाही स्नान 29 जनवरी का मौनी अमावस्या का है, जो सबसे बड़ा शाही स्नान है। और तृतीय शाही स्नान है बसंत पंचमी का। तो सभी सिल्लीगुड़ी वासियों को सबके लिए रहने की, भोजन की सभी तरह की व्यवस्था वहाँ आश्रम के कैंप में की जा रही है। सभी सिल्लीगुड़ी वासी वहाँ पर आमंत्रित हैं, सब लोग आए और कुंभ मेले का लाभ लें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, हम लोग सुनते हैं कि कुंभ मेले में बहुत सारे जन घूम हो जाते हैं, इसलिए सरकार की तरफ से एप भी चालू किया जा रहा है। पहले ये हुआ करता था जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था कि लोग कुंभ मेले में जाया करते थे तो बिछड़ जाते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आजकल कोई खोने का कोई सवाल ही नहीं है। और सरकार की तरफ से भी, योगी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह की आने वाले श्रद्धालुओं को वहां पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। ये विश्व का पहला, विश्व के अंदर में महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है पूरे विश्व के अंदर में कि जहां पर सरकार का अनुमान है 40 करोड़ लोगों का आने का, जबकि कि हम साधु महात्माओं का तो अनुमान है कि कम से कम 50 करोड़ लोग, सनातनीय 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेले में आने वाले हैं और अमृत की डुबकी लगाने वाले हैं। और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं, जो योगी सरकार जितना अच्छा कार्य कर रही है कुंभ मेले के लिए, तो वो बहुत सराहनीय है वहाँ पर। तो किसी के भी गुम होने की और सारी सुविधाएं गवर्नमेंट, मतलब जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी उपलब्ध करा रही है। और जो ऐप अभी रेडी हो रहा है वो अभी लॉन्च नहीं किए हैं, आने वाले 15 दिन के अंदर में मेला प्रशासन के द्वारा और वो ऐप लॉन्च होगा। और भी कई सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। सिल्लीगुड़ी से मेरा अनुमान है कि यहाँ का जितना भी समाज है, सनातनी हिंदू समाज जो भी है, अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे ही कैंप में लगभग, हमारे पास में जो डाटा है उसमें हमारे पास में करीब करीब 500 लोगों की तो हमारे पास में एंट्री है। तो और केवल हमारे कैंप में ऐसे, और हमारे जैसे कैंप वहां पर और भी अन्य कैंप लगेंगे, उनमें भी लोग जाएंगे। तो मेरा मानना है कि करीब करीब 50-60 हज़ार लोग तो शायद सिल्लीगुड़ी से जाने की हमको आशा है कि यहाँ से लोग जाएंगे सभी समाज के। हमारे यहाँ संयोजक, हमने सिल्लीगुड़ी के हमने संयोजक बनाए हैं,
सभी संयोजक हमारे साथ में बैठे हुए हैं, सभी संयोजकों का हमने नंबर कार्ड के अंदर में और बैनर्स के थ्रू हम सबको वो कर रहे हैं और वो डिजिटल कार्ड भी हमारा सब जगह पहुंच रहा है। सरकार किसी महाकुंभ जो है हमारा सनातन धर्म का एक उद्देश्य रहा है, वसुदेव कुटुंबम, मतलब पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, पर कुछ चीजें समाज के अंदर में अभी भिन्न तरीके से देखने को मिल रही हैं। केवल कुंभ में किसी मुसलमान को आने के लिए आपत्ति नहीं जाहिर की जा रही है, वो आए अमृत की डुबकी लगाए, साधु संतों का प्रवचन सुने, किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति वहां पर नहीं है। केवल बात हो रही है कि वहां उनको हम किसी भी तरह का, मतलब जो दुकानें जो लगती हैं उन दुकानों के लिए केवल विरोध है और किसी बात का कोई विरोध नहीं है। अगर कोई मुसलमान भाई भी आकर के अगर किसी साधु संत का प्रवचन सुनेगा तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की, और सरकार भी इसके ऊपर में मतलब कोई किसी तरह का वो नहीं कर रही है कि अगर कोई आकर के अगर गंगा में डुबकी लगाना चाहता है अमृत की, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति, तो उसके लिए सरकार कहीं भी किसी तरह की कोई रोक नहीं कर रही। क्या आप लोग की तरफ से कोई व्यवस्था है कि यहां से लोग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था? यहां हमारे कैंप में सभी लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था की जा रही है, उसमें हमारे यहाँ पर कमरे भी बनाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ निःशुल्क व्यवस्था भी है, और निःशुल्क व्यवस्था में हम लोगों के यहाँ पर जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए रहने और भोजन की सारी व्यवस्था है। कुछ व्यवस्था जो है, भैया ने अभी पूछा कि कुछ उसका चार्ज है, चार्ज नहीं है, केवल सेवा कार्य लिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर कैंप लगता है तो उसकी बनावट में जो भी खर्चा होता है तो उसी को देखते हुए शुल्क रखा गया है सेवा कार्य के रूप में। उस वो शुल्क भी अन्य क्षेत्र के लिए ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो हमारे आश्रम का जो कैंप है, श्री गणेशानंद आश्रम का कैंप का जो अन्य क्षेत्र है, 24 नवंबर से हमारा अन्य क्षेत्र चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो इस समय जो मजदूर लोग काम करते हैं उन मजदूर लोगों के लिए भोजन पानी की अभी कोई व्यवस्था नहीं होती। जब महाकुंभ शुरू हो जाता है तब तो कई जगह अन्य क्षेत्र चल रहे होते हैं, पर अभी हाल फिलहाल में वहाँ कोई अन्य क्षेत्र नहीं चल रहा होता है। तो 24 नवंबर 2024 से श्री गणेशानंद आश्रम की तरफ से राधा रानी अन्य क्षेत्र के नाम से एक अन्य क्षेत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। उस अन्य क्षेत्र को चलाने के लिए ही वो शुल्क रखा गया है, तो वो शुल्क हमारे संयोजकों के द्वारा जिनको भी बुकिंग करनी है वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी कोई जानकारी दूं, खाली मैं सिलीगुड़ी वासी को एक और जानकारी देना चाह रहा हूं कि यहां से प्रयागराज पहुंचने के बाद महाकुंभ की व्यवस्था हमारे गुरुजी अपने से स्टेशन से या फ्लाइट से ले आने की व्यवस्था कर रखी है, वो अपने कैंप तक लाएंगे, वहां पर लाने के बाद उनको रहने की खाने की सारी व्यवस्था है, और शाही स्नान में गुरुजी के साथ में ही यात्री को शाही स्नान के लिए ले जाएंगे, और शाही स्नान का डुबकी लाने के बाद वो फिर अपने कैंप में आ जाएंगे। सिर्फ कैंप में डुबकी लगाना ही नहीं है, वहां पर एक अमृत कथा भी आयोजन की गई है और साथ में सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है, और वहां रानी सती दादी जी का पाठ भी, मंगल पाठ भी होगा। जो यात्री जाएंगे वहां पर इन पाठों का, अमृत वर्षा का आनंद लेंगे, साथ में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और एक विशाल रथ यात्रा का भी आयोजन साथ में ही है। कोई यात्री ऐसा नहीं है कि वहां जाके कोई आदमी बोलेगा कि हम तो खाली डुबकी लगाने आए हैं, वहां पर गुरुजी का आशीर्वाद के साथ साथ प्रवचन भी लेंगे, अमृत वर्षा भी लेंगे, भजन संध्या भी लेंगे, सुंदरकांड का पाठ का भी अनुभव करेंगे। मैं यहाँ के सिलीगुड़ी वासी को एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोग सिलीगुड़ी वहां से टिकट बनाइए, प्रयागराज वहां पहुंचिए, वहां पर आने के बाद गुरुजी का ही आशीर्वाद में रहेंगे, उन्हीं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या, शाही स्नान का लाभ उन्हीं के द्वारा लेंगे और गुरुजी ले आशीर्वाद लेंगे। सिलीगुड़ी से आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, जो विमल भैया ने बताया, जो भी श्रद्धालु यहां से जाएंगे उनको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप दोनों की सुविधा हमारे कैंप के द्वारा रखी जा रही है, ताकि उनको किसी भी तरह की कुंभ मेले में आने के लिए असुविधा ना हो। हम लोग यात्री का जितना ध्यान रखें उतना ही गुरुजी करेंगे, कोई असुविधा यात्री लोग को ना हो। हाँ, हमारा नंबर है, बोल
आपको ये वाउचर दे देंगे ना, नंबर बताई दी लिखिए 9434019386 प्रिंस मोहन जी गोलियान, उसके बाद श्री निरंजन जी मित्रू का 9832095860, श्री विष्णु जी केड़िया 9434045053, श्री विमल जी डालमिया 9434057647, श्री अरुण अग्रवाल 9434047036। आपको सारी जानकारी हम लोग दे देंगे, कोई भी कुछ ना पूछना चाहे। सारे के कर दूं क्या? श्री ब्रिज मोहन जी गोलियान 9434019386, श्री निरंजन मित्रू का 9832095860, श्री विष्णु जी केड़िया 9434045053, श्री बिमल जी डालमिया 9434057647, श्री अरुण अग्रवाल 9434047036। ये सिलीगुड़ी से संयोजक है। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आपको बुकिंग करनी है, सुविधा जाननी है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रोशर भी हम आपको देंगे, आप शेयर कर सके इनको अपने। कोई यात्री चाहे तो गुरुजी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जब चाहे तब 24 घंटा में कभी भी चाहेंगे बात करेंगे, गुरुजी सबका फोन उठा के बताएंगे, कोई दिक्कत। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. इतने देर हेयरफल हो कि मत दिक्क भई सके, बाथरूम तो एंटी हेयरफल को दुकान नहीं भई सक्यो, अनि मेरो सिर एंटी हेयर नहीं रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फर माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, थर्ड माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336।